गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर वृत्तालोक में। मैं गौरव रंजन हार्दिक स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने भूगोल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूं आपके सामने टाइगर वृत्तालोक चैनल पर, ठीक ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक सोमवार दो दिन आपको मेरी क्लास मिलेंगी, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और इसमें मैं जो आपको मैं पढ़ाता हूं उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आपसे टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा किस तरह हम तैयार हैं। तैयार हैं? चलिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। पहला क्वेश्चन कहां से है? विश्व भूगोल से है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मेडागास्कर द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। पूछा जा रहा है कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जो मेडागास्कर द्वीप है किस महासागर में है, किस महासागर में है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर, हिंद महासागर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है और हिंद महासागर का यह सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो कि एक द्वीप है, अब अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका, अब अफ्रीका महाद्वीप जब देख रहे होंगे तो यहां पर अफ्रीका में ऐसा, सॉरी ऐसा है, अफ्रीका में यहां पर है मेडागास्कर हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा? मेडागास्कर। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है किस देश में है? ब्राजील में, म्यांमार में, चिली में या इक्वाडोर में? ब्राजील में, म्यांमार में, चिली में या इक्वाडोर में? तो आपको ये बताना है कि जो कोटोपैक्सी है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यह किस देश में है। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा किस देश में है कोटोपैक्सी। हाँ, तो आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वाडोर देश में है। और इक्वाडोर देश जो है वो किस महाद्वीप पर है? तो जिस महाद्वीप पर है उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत। और विषुवत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर से ही एक नाम आया है, और इक्वेटर से जो नाम आया है याद रख लीजिएगा, इक्वाडोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, फिजिकल ज्योग्राफी से लिया है मैंने, ठीक ना, फिजिकल ज्योग्राफी से, लिथोस्फीयर से लिया है, स्थलमंडल से। पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व होता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता जाता है, जिसका कारण होता है कि अंदर की परतों में, पृथ्वी के अंदर की परतों में भारी धातुएं पाई जाती हैं जैसे लोहा और निकल। लोहा और निकल के पाए जाने के कारण ही, लोहा और निकल के पाए जाने के कारण ही जैसे जैसे धरातल के नीचे जाएंगे, केंद्र को जाएंगे, वैसे वैसे आपका घनत्व डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो प्रत्येक लेयर पर 3 परत होती है, क्रस्ट, मेंटल कोर, सबसे ऊपर वाली सियाल सीमा, मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। तो जैसे क्रस्ट मेंटल कोर से नीचे आएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक परत का घनत्व अलग अलग होता है। जब कहीं पर एक से अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं किसी चीज में, तो उसका हम क्या ज्ञात करते हैं? औसत ज्ञात करते हैं। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, याद रख लेना भैया, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। क्या होता है भैया? पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पवन है जिसका नाम है ब्रिकफील्डर, एक पवन है और इस पवन का नाम है ब्रिकफील्डर। क्या नाम है? ब्रिकफील्डर। पवने कहां चलती हैं?
विरेक फिल्टर एक पवन है जो कि एक ठंडी पवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि विरेक फिल्टर कहाँ चलती है, विरेक फिल्टर पवने कहाँ चलती हैं, न्यूजीलैंड, सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील, कहाँ चलती हैं? तो विरेक फिल्टर जो पवने हैं वो जिस देश में चलती हैं उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में जो चलती हैं, न्यूजीलैंड में जो पवने चलती हैं उनको हम एक नाम देते हैं, और न्यूजीलैंड में जो पवने चलती हैं उनको हम नाम देते हैं नॉर्वेस्टर, और सहारा मरुस्थल में जो चलती हैं उनको हम सिरोकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोकू, सिरोकू, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर नाम की पवने चलती हैं, सहारा में सिरोकू, और ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी हैं वो विरेक फिल्टर चलती हैं। तो विरेक फिल्टर पवने कहाँ चलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, ठीक ना। चलिए फिर से पवनों का एक बार जिक्र किया गया है। पूछ रहा है कौन सी पवन वर्ष में दो बार दिशा परिवर्तित करती है। मैं समझा देता हूं, ये हमारा भारत देश है, एक गर्मी वाला भारत यानी ग्रीष्म ऋतु का भारत है, एक और भारत मैंने बनाया, और ये जो भारत है शीत ऋतु वाला है। कौन सा? शीत। गर्मियों में भारत की ओर पवने चलती हैं, और गर्मियों में जो भारत की ओर पवने चलती हैं इनको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, मानसूनी पवन है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। क्या शब्द आया? मानसून, इसलिए हमने नाम दे दिया मानसूनी पवन। जब सर्दियों में भारत से लौटती हैं और जब यह भारत से लौटती हैं तो इनको हम एक नाम दे देते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन, क्या नाम दिया? उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। तो एक है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन और एक है दक्षिण पश्चिम। तो यह एक मानसूनी पवने होती हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ, जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया गया मानसूनी पवन। क्या नाम दे दिया गया इनको? इनको हमने नाम दे दिया मानसूनी पवन। याद रख लेना भैया, मानसूनी पवन जो अपने वर्ष में दो बार दिशा परिवर्तित करती है, मानसूनी पवन जो वर्ष में दो बार अपनी दिशा को क्या करती है? परिवर्तित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। वायुदाब होता है, पिछले वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि जो मैं पिछले वीडियो पढ़ाता हूं उसका लिंक यहां पर होता है। अभी से भैया पहले बता दे रहा हूं कि शनिवार को, आज सोमवार है और शनिवार को जब मैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा भारत और विश्व की जनजातियों से संबंधित होंगे, और उसके बाद सोमवार को सौर मंडल से संबंधित 25 तो नहीं होंगे, कुछ होंगे सौर मंडल, तो पढ़ के बैठना। शनिवार को भारत और विश्व की जनजातियां जो मैंने पढ़ाई है, और उसके बाद सोमवार को सौर मंडल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में शनिवार को पढ़ाया था वायुदाब, बताया था आपको पी बराबर एफ अपॉन ए, तो वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? मेरी स्क्रीन पर आंसर आ चुके हैं, बैरोमीटर। सही आंसर इसका क्या है? तो बाबू इसका सही आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है आपका वायुदाब, वायुदाब मापा जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अक्रिय गैसें, ऐसी गैसें जो किसी दूसरी गैस के साथ क्रिया नहीं करती हैं उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस बहुत हल्की होती हैं, हल्के होने के कारण वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती हैं, हल्की होने के कारण वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। कौन सी? अक्रिय गैस, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम और जलवाष्प। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। मैंने आंसर दे दिया आपको, मैंने कहा कि अक्रिय गैसें वायुमंडल में ऊपर पाई जाती है, जलवाष्प जिसमें जल की मात्रा होती है भारी गैस होती है और यह नीचे पाई जाती है, तो अक्रिय गैस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा आपका जलवाष्प, ठीक ना, जलवाष्प हो जाएगा। अगला देखिएगा, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन इंग्लिश में दिए गए। ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल। आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर को नाम दिया जाता है आयन मंडल। मीजोस्फीयर, मीजो
मीजोस्फीयर को नाम दिया जाता है मध्य मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर को नाम दिया जाता है समताप मंडल। क्या नाम दिया जाता है? समताप मंडल। पूछ रहा है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान ऐसे मंडल में उड़ाए जाते हैं जहां पे तापमान समान होने के कारण मौसम संबंधित गतिविधि नहीं होती है। नाम से समझ में आ रहा, समताप, जहां पर तापमान एक समान हो उस मंडल को हम समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल में हम क्या उड़ाते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? वायुयान। आठ के बाद क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप, भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है? पूछ रहा है भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है। यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र में तरंग उत्पन्न होती है, जहां से तरंग की उत्पत्ति होती है उस केंद्र को हम एक नाम दे देते हैं अवकेंद्र। लेकिन जहां से तरंग उत्पन्न हो रही है उस वाले क्षेत्र में कंपन नहीं होता है। कंपन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर का भार होता है। इमेजिन करिएगा, मैं खड़ा हूं और मेरे ऊपर 50 लोग और खड़े हो जाएं, या 50 कुछ ज्यादा हो रहा है, दब जाऊंगा। मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर 2 लोग या 5 लोग और खड़े हो जाएं, जैसे मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है ना, मटकी फोड़ जाती है। जब मटकी फोड़ कार्यक्रम में जो नीचे के लोग होते हैं उनके ऊपर दाब बहुत ज्यादा होता है। डीजे भी बज रहा होगा बाजू में, डीजे बजता है भाई, रोमांस हो रहा है, डीजे बज रहा है। डीजे जब बज रहा है तो जो नीचे है और जो सबसे टॉप पे एक बंदा जो मटकी फोड़ेगा, नीचे 10, उसके ऊपर 8, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 2, 1, बताइएगा कौन हिल सकता है, कौन डांस कर सकता है? ऊपर वाला, क्योंकि उसके ऊपर भार नहीं है। जबकि जो नीचे खड़े होंगे 10, उनके ऊपर सर्वाधिक भार होगा। भार होने के कारण चाह करके भी वो डांस नहीं कर सकते, यानी कंपन नहीं कर सकते। भूकंप क्या है? एक प्रकार का कंपन। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम अवकेंद्र कहते हैं। इतना ज्यादा भार होता है अवकेंद्र पर कि वहां पर भूकंप की उत्पत्ति जरूर होती है, तरंग की उत्पत्ति जरूर होती है, लेकिन वहां पे कंपन नहीं हो पाता। कंपन इस केंद्र से 90 डिग्री के कोण पर होता है, और जहां पे सबसे पहले तरंगों के द्वारा कंपन होता है उस केंद्र को हम एक नाम दे देते हैं, उस केंद्र को हम नाम दे देते हैं अधिकेंद्र। दूसरी बात, अवकेंद्र और अधिकेंद्र हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे, समकोण की स्थिति पर होते हैं। किसकी स्थिति पर होते हैं? समकोण की स्थिति पर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक कठोर चट्टान है। पूछ रहा है सर्वाधिक कठोर चट्टान है आग्नेय, औषादी, रूपांतरित या कायांतरित। आपको बताना है इन चारों में सर्वाधिक कठोर चट्टान है कौन सी, रूपांतरित, कायांतरित, औषादी या आग्नेय। ठीक है ना, तो अच्छे से जान रहे हैं कि कौन सी सर्वाधिक चट्टान है। तो सबसे कठोर जो चट्टान है उन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसके सही आंसर 2 हैं, रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित या कायांतरित सबसे कठोर चट्टान होती हैं। और वह चट्टान कौन सी होती हैं जिनमें परतें पाई जाती हैं? तो परतें जिन चट्टानों में पाई जाती हैं उनको हम औषादी चट्टान कहते हैं। और वह चट्टान कौन सी जिनका निर्माण सबसे पहले होता है, जिन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले होता है उनको हम आग्नेय। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ, औषादी में परतें पाई जाती हैं, जबकि रूपांतरित या कायांतरित सबसे कठोर चट्टान होती है, सबसे कठोर चट्टान होती है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ये नंबर हैं, ऑनलाइन कोचिंग के हमारे ये नंबर हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं आपको ये नंबर पर मिल जाएगी। ये नंबर है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 8 नंबर आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं, इन पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी कोचिंग से संबंधित टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक ना, और ट्विटर, सब कुछ आपको दिया गया है, आप जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हो गया, चलिए हाँ, एक नाम आया चिनूक, चिनूक पवने चलती हैं।
चिनुक पवन कहाँ चलती है? तो बाबू चिनुक जो पवन है आपकी वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलती है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलती है। और ये मैं आपको बताऊं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? रॉकी। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत के समीप चलती है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि किन देशों में चलती है, तो आपको मैं पढ़ाया हूं उत्तर अमेरिका में दो देश है, एक का नाम है कनाडा और जो नीचे वाला देश है इस देश का नाम है यूएसए। तो एक है कनाडा और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है यूएसए, कनाडा और यूएसए में, ठीक ना। चलिए ग्यारह के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि, अरुण, वरुण या बृहस्पति? अभी पढ़ाया था मैंने सौरमंडल में आपको, तो बताइएगा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बृहस्पति। बृहस्पति के पास कितने हैं? तो फिलहाल बृहस्पति के बाद जो उपग्रहों की संख्या है 67 है, शनि के पास कितनी है 63 है, अरुण के पास कितनी है 23 है और वरुण के पास कितनी है लगभग 11 है, ठीक ना, ये 17। तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वर्तमान में वो किसके पास है? बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। सर्वाधिक तीव्रता किन तरंगों की होती है? या नहीं हुआ कौन सी तरंगें हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक कंपन, तीव्रता का मतलब जिनके द्वारा सर्वाधिक कंपन होता हो। एक होता है गति, गति का मतलब चलने से है, और तीव्रता का मतलब कंपन करने से। तो अगर बाबू ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक तीव्रता किन तरंगों की होती है, तो आप बताएंगे सतही तरंग, और इन्हीं को हम एल तरंग कहते हैं, सतही तरंग या एल तरंग। एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने खोज की, इसलिए एल तरंग। और अगर ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो गति जिन तरंगों की होती है सबसे अधिक उनका नाम है प्राथमिक तरंग। तो प्राथमिक तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, जबकि एल तरंग या सतही तरंग की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक होती है, ठीक ना। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, जब कोई चट्टान में मौसमी परिवर्तन होते हैं, जब किसी चट्टान में मौसमी परिवर्तन होते हैं तो वह चट्टान कई भागों में टूट जाती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपरदन, बृहदक्षरण या और एक कौन सा है, कटाव, ठीक ना, कटाव। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, क्या है? चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपरदन, बृहदक्षरण या कटाव। तो सही आंसर बताना है आपको इसका, सही आंसर बिल्कुल सही, क्या कहते हैं? तो चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को हम जिस नाम से जानते हैं वह नाम आपका क्या है? तो वह नाम आपका है अपक्षय। क्या है? अपक्षय। चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। और जब एक चट्टान उड़कर पानी या हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से बहकर हवा के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। तो अपच्छा यानी चट्टानों के टूटने फूटने क्रिया इंग्लिश में विदरिंग बोलते हैं, WEATHERING, विदरिंग। मैंने क्वेश्चन लिया झील से, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर, एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी झील भी बोलते हैं, क्रेटर ज्वालामुखी झील के नाम से भी जानते हैं हम। तो पूछ रहा है आपसे कि क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है, आपसे क्रेटर झील का उदाहरण पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण जो है आपका वो कौन सी है? क्रेटर झील को हम ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी क्रेटर झील नहीं है, भारत में एकमात्र क्रेटर झील पाई जाती है, और भारत में जो एकमात्र क्रेटर झील है वो झील का नाम क्या है? लोनार। वो झील का नाम क्या है? तो लोनार। तो लोनार भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, कौन सी? लोनार, ठीक ना। चलिए सौर मंडल से उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, वह कौन सा मंडल है जहां पर हम उपग्रहों को स्थापित करते हैं? मैंने क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया है कहां पर हम उपग्रह स्थापित करते हैं।
तो आयन मंडल में, क्यों? क्योंकि आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं जो किसी भी उपग्रह को ऊर्जा देते हैं, बैटरी को ऊर्जा देते हैं। जहां पे आयन होंगे यानी एनोड और कैथोड होंगे, वहीं पर हमारी बैटरी यानी कार्य कर सकती है, यानी बैटरी को वहीं पर ऊर्जा मिल सकती है, उपग्रह को ऊर्जा मिल सकती है। तो उपग्रह जिस मंडल में स्थापित किए जाते हैं उस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, चलिए ये तो बता ही देंगे ना, देखिए आंसर भी आ गया। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बाबू मैंने चार आंतरिक ग्रह पढ़ाए आपको, चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति, अरुण और वरुण को, बृहस्पति, अरुण और वरुण को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बुध को छोड़ ये तो है पृथ्वी, ये मंगल, शुक्र, तो ये आंतरिक हो गए। और अरुण ग्रह को हम किस नाम से जानते हैं? तो अरुण ग्रह को हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से? बाह्य ग्रह के नाम से। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डोल्ड्रम क्या होता है? शांत पेटी होती है, बिल्कुल शांत पेटी को हम डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल शांत पेटी को हम किस नाम से जानते हैं? डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। यह हमारी विषुवत रेखा है, यहां पर 5 डिग्री N है और यहां पर 5 डिग्री S है। तो 5 डिग्री N से 5 डिग्री S के जो बीच का क्षेत्र होता है, 5 डिग्री N से 5 डिग्री S के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको हम एक नाम दे देते हैं। और इसको हम जो नाम दे देते हैं, नाम क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं हम डोल्ड्रम। क्या नाम दे देते हैं? नाम दे देते हैं हम डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम की स्थिति क्या है? तो डोल्ड्रम जो है वो 5 डिग्री N से 5 डिग्री S के मध्य पाया जाता है। कहां पाया जाता है? 5 डिग्री N से 5 डिग्री S के मध्य डोल्ड्रम पाया जाता है। ठीक ना, क्लियर है। चलिए कह रहा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर ध्रुवों की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। यहाँ पे हमारी विषुवत रेखा है, आप देख लीजिएगा जो देशांतर रेखा है, यहाँ पर बीच की दूरी ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बीच की दूरी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए क्योंकि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। आज मार्केट में जाइएगा, कद्दू या खरबूज चल रहा है इस टाइम, खरबूज उसको उठा के देखिएगा, उसमें भी ऐसी लाइनिंग होती है। अब देखिएगा जो बीच वाला भाग होगा वहां पर लाइनिंगों की जो बीच की दूरी होगी वो ज्यादा होगी, जबकि जहां पर केंद्र होगा वहां पर लाइनिंगों के बीच की दूरी, जो रेखाएं हैं उनकी बीच की दूरी कम होगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर आके सभी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा? ध्रुवों की ओर जाने पर प्रभाव, जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। बीच की दूरी क्या करती है? बीच की दूरी घटती जाती है। चलिए अभी अभी पढ़ाया था, किस चट्टान में परतें पाई जाती हैं? तो जिस चट्टान में परतें पाई जाती हैं उस चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस चट्टान को हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। किस चट्टान के नाम से जानते हैं? अवसादी। तो अवसादी चट्टानों में परतों की संख्या अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक परतें पाई जाती हैं, या केवल अवसादी एक ऐसी चट्टान होती है जिसमें परतें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सुंडा गर्त किस महासागर में? गर्त मतलब महासागरों का जो सबसे गहरा स्थान होता है, किसी भी महासागर के सबसे गहरे स्थान को हम गर्त कहते हैं। किसी भी महासागर के सबसे गहरे स्थान को हम गर्त कहते हैं। पूछ रहा है सुंडा गर्त कहां पर है बाबू? तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसको हम एक नाम दे देते हैं, और प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसको हम बोलते हैं मेरियाना। क्या बोलते हैं? मेरियाना गर्त। अटलांटिक का जो है उसको हम बोलते हैं प्यूटो रिको गर्त, प्यूटो रिको, प्यूटो रिको। हिंद का जो है उसको हम बोलते हैं सुंडा। अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर में चूंकि बर्फ जमी रहती है इसलिए वहां पे गर्तों का विकास नहीं हो पाया है। तो सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाएगा?
किस महासागर में? हिंद महासागर में पाया जाता आपका सुंडा गर्त। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ये हमारी पृथ्वी है, सबसे ऊपर वाले भाग में सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण सियाल कहते हैं, दूसरे वाले भाग में सिलिका और मैग्नीशियम के पाए जाने के कारण Ma, मैग्नीशियम का Mg होता है लेकिन हमने सेंटेंस बनाने के लिए Ma लिखा, और जो सबसे नीचे कोर वाली परत होती है उसमें निकल और आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकल और आयरन। तो इसमें से एक आंसर मिल गया हमें, कौन सा? निकल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें किसकी प्राप्ति होती है? निकल की प्राप्ति होती है। किसकी? निकल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी बताया था कि जैसे जैसे हम धरातल के अंदर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। धरातल के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पे प्रेशर डालती है, ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पे दबाव डालती है, इसलिए घटना घटती है। दूसरी बात, जैसे अगर हम अंदर की परतों में जाएंगे और तापमान में वृद्धि नहीं होगी तो शायद ज्वालामुखी की प्रक्रिया ना हो। तो अंदर की परतों में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता जाता है। ठीक ना, चलिए तो तापमान क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अंदर की परतों में जाने पर ऑप्शन ए हो जाएगा, तापमान बढ़ता जाता है। ठीक ना, चलिए अगला आया है, अश्वच्छांश किसे कहते हैं? अश्वच्छांश या घोड़ा अक्षांश। जब यूरोप के लोग भारत आते थे तो घोड़ा के माध्यम से आते थे, बल्कि नाव के माध्यम से आते थे, 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य यात्रा करते थे, चाहे यहां का ले चाहे यहां का, 30 और 35 डिग्री के मध्य या अक्षांशों में यात्रा करते थे। इन अक्षांशों में बहुत तेज जब हवाएं चलने लगती थी तो नाव इनकी डगमगा जाती थी। नाव की डगमगा जाने के कारण, भार ज्यादा होने के कारण नाव डगमगाती थी, जिस कारण से यह है अपने घोड़े पानी में फेंक देते थे, समुद्र में छोड़ देते थे, ताकि अर्जुन की नाव है नाव का भार कम हो जाए और नाव आराम से चल सके। ठीक ना, इसीलिए इन अक्षांशों को, जिस अक्षांश में यात्रा करते थे जहां पे घोड़ों को फेंक दिया जाता था, उनको हमने एक नाम दे दिया अश्वच्छांश। दोनों गोलार्धों में, चाहे हम दोनों गोलार्धों की बात करें या एक ही, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम अश्वच्छांश नाम से जानते हैं। 30 से 35 उत्तर में भी हो सकता है और 30 से 35 दक्षिण में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है और दक्षिण में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या के बीच का समय अंतराल होता है। बाबू एक माह जो होता है वो देखा जाए तो एग्जैक्टली सच को 28, हम मानते हैं ना हिंदी माह में देखा जाए तो 28 दिन का होता है। जब आपको चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे, जब चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आज देखिए चंद्रमा छोटा है, कल देखिए उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है तो इस समय को हम एक नाम दे देते हैं शुक्ल पक्ष। आज मान लीजिए चंद्रमा आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, कल उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 15 दिन के बाद आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। जब चंद्रमा पूरा दिखाई देगा तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जो चंद्रमा आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई दे जाएगा यानी पूर्णिमा को, उस दिन के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता जाता है तो घटता हुआ चांद, घटता हुआ बड़ा हुआ चांद दिखाई दे, और घटता हुआ चांद अगर दिखाई दे चांद, ठीक ना, बढ़ता हुआ चांद, अगर बढ़ता हुआ चांद दिखाई दे रहा है तो इसको हम नाम दे देंगे शुक्ल पक्ष, और यदि चंद्रमा का आकार, चांद का आकार घटता हुआ दिखाई दे तो इसी को हम नाम दे देते हैं शुक्ल, सॉरी इसको हम नाम दे देते हैं कृष्ण पक्ष। क्या नाम दे देंगे? कृष्ण पक्ष। एक माह में एक बार शुक्ल, एक बार पूर्णिमा होती है, एक बार अमावस्या होती है, तो यदि कुल माह 28 दिन का है और एक दो उसमें है, एक पूर्णिमा एक अमावस्या है, तो 28 को हम कितने से भाग दे देंगे? दो। तो सही आंसर आना चाहिए 14, लेकिन 14 आंसर ना होके यहाँ पे कितना है? 15, क्योंकि हमने एक माह 15 दिन, एक माह हमने
30 दिन से मान लिया, इसलिए यहाँ पर 15। तो एक अमावस्या और एक पूर्णिमा के मध्य में लगभग 15 दिन, या 15 दिन की जगह अगर 14 दिन होगा तो 14 दिन, 15 या 14 दिन का समय अंतराल पाया जाता है एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, ठीक ना। चलिए तो थैंक यू, आज का कार्य योजना, आज के जो क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त हो गए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब लग रहा है अच्छे है ना, अब तो लेवल भी मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा ही बढ़ाया हूँ, फिर से थोड़ा कम करूंगा, फिर से थोड़ा बढ़ाऊंगा, तभी तो मजा आता है, ठीक ना। तो चलिए आज यही रख लेते हैं, आज सोमवार है, शनिवार को मिलते हैं फिर से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, भारत और विश्व की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो शनिवार को मिलते हैं, तब इनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।